particularly as women are only allowed to travel when accompanied by a so-called male guardian. What happened if you go back to Afghanistan? I will die. Simple. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तालिबान के द्वारा कई किए गए कंडेम्ड प्रैक्टिसेज में से एक प्रैक्टिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा तालिबान के बारे में ओवरव्यू दे देना चाहता हूं। तो दोस्तों, तालिबान एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान में करंटली एक्टिव है और यह ऑर्गेनाइजेशन 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में पहले शासन कर चुका है और जिसका फाउंडेशन 1994 को मोहम्मद उमर एंड अब्दुल घनी बरादर के द्वारा रखा गया था। और यह ऑर्गेनाइजेशन तालिबान 15 अगस्त 2021 को काबुल, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, पर कैप्चर करते हुए ऑल ओवर कंट्री पर अपना गवर्नमेंट स्थापित कर लिया। हालांकि अभी तक कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके गवर्नमेंट को रिकग्निशन नहीं दिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये टॉपिक इसके प्रीवियस गवर्नेंस से रिलेटेड है, यानी कि जब 1996 to 2001 में जब तालिबान अफगानिस्तान पे शासन किया था, तब उस समय इन लोगों के द्वारा कई कंडेम्ड प्रैक्टिसेज करे गए, जिसमें से ये एक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उस समय अफगानिस्तान में एक्टिव तालिबान एंड इसके एलाई ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के कुछ कमांडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क चलाया था, जिसमें अफगानिस्तान के जो एथनिक माइनॉरिटी विमेन जो होती थी उसको किडनैप ये लोग कर लेते थे और उसको सेक्स स्लेवरी के लिए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में बेचा करते थे। और इस सिनेरियो को देखते हुए टाइम मैगजीन, जो एक अमेरिकन न्यूज मैगजीन है, ने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान जो आर्ग्यू करता है कि मैं ये लॉ जितने ला रहा हूँ जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है विमेन पे, जिससे विमेन के सिचुएशन में सुधार आएगा, विमेन सीवियरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ विमेन के कंडीशन में सुधार आएगा, तो ये ऐसा नहीं हो पाया और जस्ट इसका ऑपोजिट हुआ, जिसके कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा तालिबान के इस डिसीजन का मजाक बनाया गया। क्योंकि तालिबान के इस 6 ईयर्स के गवर्नेंस में और जितने भी लॉ लाए गए रिलेटेड टू विमेन, वो और इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे, जिसके कारण विमेन के एडुकेशन को बैन कर दिया गया और जो विमेन अपने घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती थी तो उसको अपने किसी फैमिली मेंबर के मेल पर्सन के साथ जाना नेसेसरी कर दिया गया था। अगर वो अकेली चली जाती है तो तालिबान के फोर्स उसे दंडित करते थे। और इस पे मैं एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ दोस्तों, इस सिनेरियो से रिलेटेड, कि एक सुहैला नाम की अफगानिस्तान में लड़की थी, वो एक अनरिलेटेड यानी कि अनजान मर्द के साथ बाहर घूम रही थी, तो उसको उसके लिए दंडित करा गया तालिबान गवर्नमेंट के द्वारा। उसे गाजी स्टेडियम ले जाया गया और वहां पर उसे 100 कोड़े मारे गए पब्लिकली, यानी पूरे स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे और तालिबान ने स्टेडियम में ले जाकर उस लड़की को दंडित इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाह रहा था कि अफगानिस्तान के अदर जितने भी विमेन हैं उसके ब्रेन में ये माइंडसेट जाए, ये खौफ जाए कि अगर इस तरह से कोई प्रैक्टिस तुम भी करते हो तो तुम्हारे साथ भी यही दुर्दशा करा जाएगा। और सेक्स स्लेवरी के लिए जितने भी अफगानिस्तान के विमेन को किडनैप करा जाता था उसमें से मोस्टली ताजिक, उज्बेक, हजारा एंड नॉन पैश्तून एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती थी। और कुछ महिलाएं जो सेक्स स्लेवरी नहीं चाहती थी उसे जब किडनैप कर लिया जाता था तो वो अपने आप को सुसाइड से मार डालती थी। और एक ये भी घटना है कि 1999 को कुछ तालिबान एंड अलकायदा के मेंबर ने आक्रमण करते हुए सोमाली के मैदान में 600 से ज़्यादा महिलाओं को किडनैप करके रखा था और फिर उसे अलकायदा एंड तालिबान के लोकल फोर्सेस के द्वारा बस एंड ट्रक में भरकर जलालाबाद ले जाया जाता था, जो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान का एक प्लेस था, जहां से फिर पाकिस्तान पेशावर में
पाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड के मिलीभगत के साथ ले जाया जाता था और उसमें से जो सुंदर महिलाएं होती थी उसे छांट लिया जाता था और उसे अफगानिस्तान के एक प्लेस गोश्त है वहां पर ले जाया जाता था, जहां पर बिन लादेन का सेवरल कैंप था जिसमें भी सेक्स स्लेवरी हुआ करता था। तो दोस्तों इस तरह से प्रीवियस तालिबान गवर्नेंस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता था। और क्या दोस्तों आपको लगता है कि प्रेजेंट में अफगानिस्तान में जो कार्यरत है तालिबान का गवर्नमेंट वो सही है और सेफ है, और किस लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक गवर्नमेंट का रिकग्निशन नहीं दे रही है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके।